गाइस वेलकम टू कुकिंग विद कृति श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सेवई की खीर। ये बहुत डिलीशियस, क्रीमी एंड वेरी रिच होती है क्योंकि इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट्स। सेवई की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेवई, कुछ ड्राई नट्स एंड इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून घी, 3 टेबल स्पून शुगर एंड 1/2 लीटर मिल्क। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून घी को मेल्ट करेंगे और उसमें सेवइयों को रोस्ट करेंगे। सेवइयों को हल्के ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे और जो फ्लेम है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। सेवइयां हमारे रोस्ट हो गए हैं तो इसमें हम बादाम एंड कैशू को ऐड कर देंगे ताकि वो भी हल्के हल्के रोस्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद इसमें हम बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। आप शुगर को अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं 1/2 लीटर मिल्क और 1 कप सेवइयां में 3 टेबल स्पून शुगर को ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको रिच कलर एंड अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें मैं सेफ्रॉन ऐड कर रही हूँ। अब अगर आप सेवइयों को क्रीमी बनाना चाहते हैं तो आप इसको आधे मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, हिलाए नहीं। उसके बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए इसका मतलब हमारी सेवइयाँ तैयार है। फिर आप इसे एक बाउल में निकालें और सर्व करें। आप इसको गार्निश करने के लिए और ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल सकते हैं। हमारी सेवइयों की खीर तैयार है। आप इस ईद में इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।